हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। इसमें तीन चीजें मुझे चाहिए होगी, ये जो एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है और एक एफ आई एक्स आई के लिए, तो मुझे तीन इसमें बॉक्सेस बना लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो इसमें हम लोग एक्स आई ले लेते हैं और ये आपका हो जाएगा एफ आई, जो दिए हुए हैं उनको रख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इनके फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं 4, 8, 14, 11 और 3। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 20, 48, ठीक है, 98, 88 और 27, है ना जी। चलिए तो इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने पे 281 और इसको ऐड करिएगा तो 40। चलिए तो यहाँ पे मीन निकाल देते, तो मीन इक्वल टू में होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ आई इक्वल टू में 1 से n लिख सकते हैं, और बाई में सिग्मा एफ आई आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना जी। तो चलिए ऊपर ये वैल्यू है 281 और ये है आपका 40, पॉइंट में आ जाएगा 7.025 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर देखते हैं, 2 नंबर। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। चलिए देखिए इसका भी मीन निकालना है, तो चलिए मैं यहाँ